सेंटर कहाँ पे होता है? डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे जी। ओके okay. उसके बाद आ गया पेशेंट ब्रॉट टू ईआर ब्रीदिंग प्रॉब्लम एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्पिरिन एलिमिनेट फ्रॉम एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो होता है उसका एंटीडोट क्या होता है? बाइकार। और ये इंक्रीज रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ठीक है, इसमें एक ये भी आता है कि उसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो इंक्रीज रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ एस्पिरिन करता है जी। अच्छा, फिर हमने किया था एलजी से, ठीक है, एलजी निमोनिक मैंने बताया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर जी? तो एलजी यानी जो गाबा ए है, गाबा ए है वो लाइगैंड गेटेड है, एल फॉर लाइगैंड गेटेड, ठीक है। और जो गाबा बी है, गाबा बी है वो बेसिकली क्या है, वो जी प्रोटीन, तो जी फॉर जी प्रोटीन, एल फॉर लाइगैंड गेटेड, जी फॉर जी प्रोटीन, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ऑन पोस्ट एक्साइटेटरी सिनेप्स? पोस्ट एक्साइटेटरी सिनेप्स में क्या होगा? उसमें डेफिनेटली कैल्शियम का इन्फ्लक्स तो होगा, लेकिन कौन सी मेम्ब्रेन पे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है, लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में किस चैनल के थ्रू? तो वो लाइगैंड गेटेड चैनल के थ्रू, ठीक है, ये एक्साइटेटरी सिनेप्स में होता है सर। ओके जी। पेशेंट विद एक्यूट एमआई ईसीजी शोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एसटी डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें जी, एसटी एलिवेशन होगी। थायरॉइडेक्टमी में अपर लोब नर्व डैमेज है, तो उसमें सुपीरियर थायराइड के साथ कौन सी नर्व होगी? ठीक है, तो ये आप सबको पता ही होगा, एक्सटर्नल एनजीएन नर्व, आरटीआई, एलआरटी है, बहुत सारे दिनों में है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा? सिलिया डैमेज होगा। एल्ब्यूमिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है, एल्ब्यूमिन का चार्ज नेगेटिव है। विल लाई आफ्टर थर्ड गेस्टेशन ब्लड डिफरेंशिएट इनटू, तो थर्ड गेस्टेशन पे तीसरा विल लाई, थर्ड गेस्टेशन तीसरा, थर्ड गेस्टेशन तीसरा, ठीक है, थर्ड गेस्टेशन के बाद तीसरा यानी टर्शरी, तीसरे को क्या कहते हैं? टर्शरी, ठीक है, थर्ड गेस्टेशन के बाद विल लाई जो होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं टर्शरी विल लाई जी। अच्छा, उसके बाद आ गया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डायग्नोस्ड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस? ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हम क्या चीज देंगे? ठीक है, तो अगर वो पूछे एक्यूट या सीवियर, तो उसमें आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। अगर वो कहे एक्यूट सीवियर नहीं है, तो वैसे क्या देंगे? वो सैलिसिलेट्स देंगे। अच्छा सर, व्हाट इज गिवन इन क्रोन डिजीज? तो क्रोन डिजीज में रिमिशन को रोकने के लिए एजाथायोप्रिन देते हैं बच्चों, एजाथायोप्रिन देते हैं, प्लीज प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। मलेरिया इनटू ह्यूमन बॉडी, स्पोर छिड़क दो बंदे के अंदर, ठीक है, तो वो स्पोरोजॉइड फॉर्म में एंटर होगा जी। फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ नोज, नाक हमेशा ऊंचा रखना है, नाक हमेशा ऊंचा रखना है। सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन जो होता है उसके थ्रू कवर्नर साइनस में इन्फेक्शन जाता है। कीमोथेरेपी के बाद ट्यूमर कैसे रिग्रेस करता है? कीमोथेरेपी के बाद ट्यूमर जो होता है वो एपोप्टोसिस के थ्रू रिग्रेस करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी एंटी मलेरियल ले रहा है, उसको डीरेंज एलएफटीज हैं, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड ब्लूरबिन है, तो इसका कॉज क्या होगा सर? G6PD, ठीक है, G6PD इज द पेन। ये निमोनिक प्लीज अपने माइंड में रिकॉल कर लें, कौन कौन से ड्रग्स पर नहीं, इन मेडिसिन पेपर 1, ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि बगैर स्टेटमेंट पढ़े ऑलमोस्ट मैं पिन है, ठीक है, हम लोगों ने ना जल्दी कोशिश करना है कि अपने जो 1-6 और हिप्नोसाइट उसकी डॉर्मेंट फॉर्म होती है और जो स्पोरोसाइट डिवाइड होते हैं मेरोसाइट फॉर्म है। अच्छा, नाक ऊंचा हमेशा रखते हैं, नाक कभी गिरने नहीं देना, ठीक है, तो हमेशा नाक ऊंचा रखना है। फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ नोज स्प्रेड टू कवर्नर साइनस वाया सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। देखो, नाक अगर ऊंचा करूंगा तो सुपीरियर ये आंखें हैं, तो ऑप्थैल्मिक वेन, ठीक है, तो जो फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ नोज होता है वो इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड थ्रू सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। नाक हमेशा ऊंचा रखना है, ठीक है, नाक ऊंचा मतलब सुपीरियर ऑप्थैल्मिक। आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर रिग्रेस बाय व्हाट? एपोप्टोसिस के थ्रू रिग्रेस करता है। अगर जो है आपने एंटी मलेरियल ले रहे हो और उसकी वजह से आपको डीरेंज एलएफटीज वगैरह हो रहे हैं, तो G6PD इज द पेन। तो ये वाली इज द पेन सारी ड्रग है, आइसोनियाज़िड, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, ठीक है, डेप्सोन्स, ठीक है, उसके बाद प्रिमाकोइन, एस्प्रिन, ठीक है, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये G6PD कॉज करती हैं सर, नाइट्रोफेंटाइन वगैरह। अच्छा, उसके बाद अगर मलेरिया वाले सिम्टम्स के साथ उसने दिमाग की चीजें भी खराब की हो, जैसे हाई ग्रेड फीवर, रेगर चिल्स के साथ फिट्स उसने दे दी है, तो वो सेरिब्रल मलेरिया होगा सर, डार्क कलर यूरिन वगैरह, ठीक है। अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 60 हो तो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स होगा। बड़ी जल्दी कौन सा होता है? बेरोसेप्टर सर, बेरोसेप्टर, क्विक रिस्पॉन्स बेरोसेप्टर, ठीक है। मैप अगर लेस देन 60 हो तो वहां पे CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, दिमाग इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, और एज ए होल कौन सा होता है शॉक में? एज ए होल कौन सा होता है? सिंपैथेटिक एड्रेनल रिस्पॉन्स, यानी एंजियोटेंसिन वाला, ठीक हो गया। अभी तक सारे क्लियर हो गए? आप सारे मेरे साथ चलोगे? ठीक है, अब मैंने रैपिडली सारों का रिव्यू दे दिया। चलो, कोई मसला नहीं है, जिसको जो चीज नहीं समझ आती मैं बार बार पढ़ा दूंगा, इजी सीन है। चलो, अब प्लीज साथ रहना, ठीक है, और जो पेज पूछता जाए प्लीज बताते जाइए, मैं पढ़। अच्छा जी, 78 MCQ पेज नंबर 9, फीमेल विलीज हैज डेवलप्ड गम ब्लीडिंग, APTT लो, APTT एंड लो प्लेटलेट न्यूट्रोफिल्स बर सेल्स, जब भी ब्लड सेल्स बर सेल्स आ जाएं और हर चीज उसने रेज दी हो, ठीक है, प्लेटलेट कम दिए हो, तो DIC की तरफ आपने जाना है। फैट पैड ऑफ अपर
आईलेट इंटीरियर टू, ठीक है। अब ना मैं फॉर एग्जाम्पल अपर आईलेट की बात करें ना, तो अपर आईलेट पे जाने के लिए आई यूज्ड एलिवेटर, आई यूज्ड एलिवेटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि अपर आईलेट के जाने के लिए आई यूज एलिवेटर, तो लेवेटर एपोनोरोसिस जो होगा, लेवेटर एपोनोरोसिस जो होगा वो इंटीरियर टू फैट पैड जो होगा उसके इंटीरियरली होगा, ठीक है। लेवेटर एपोनोरोसिस फॉर एग्जांपल ये पड़ा है, तो फैट पैड उसके इंटीरियरली होगा, ठीक है। और आगे ऑर्बिकुलर सोकलाई होगा, उसके पोस्टीरियरली होगा, ये दरमियान में फैट पैड है। फैट पैड इज लाइक जस्ट 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 इमेजिन के फैट पैड जो होता है ना, ये फैट पैड है, ठीक है। आपने ना एक ब्रेड लिया है, ब्रेड, ये दो ब्रेड है और दरमियान में आपने, अच्छा दिस इज लाइक फैट, दिस इज फैट पैड, ठीक है। आपने ये दो ब्रेड लिए हैं और दोनों के दरमियान फैट पैड को रख दिया, ठीक है। ये जो पीछे वाला ब्रेड है ना, ये जो पीछे वाला ब्रेड है, ठीक है, वो बेसिकली क्या था, वो था लिवेटर एपोनरोसिस, वो एलिवेटर था, वो लिफ्ट वाला था, लिवेटर, लिवेटर पीछे, ठीक है। और जो ओ वाला था ना ऑर्बिकुलरिस, ठीक है, वो क्या होगा, वो आगे होगा। तो फैट पैड के इसके ऑर्बिकुलरिस के पोस्टीरियरली होगा, ठीक है, और लिवेटर के इंटीरियरली होगा। चलो जी, कैनन एवेव्स का मतलब क्या है, मुकम्मल जंग हो गया, मुकम्मल जंग हो गया तब आपने कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, तो उसमें आपने कैनन एवेव्स कर दी जी। अच्छा, ओबीस पेशेंट है वो, उसमें मेटालिक टेस्ट आ रहा है और वो ओरल जो ले रहा है ड्रग जो उसकी डायबिटीज की, तो क्या होगा जी, वो मेटफॉर्मिन होगा, मेटफॉर्मिन होगा। उसके बाद आ गया CO2 ट्रांसपोर्ट इन टिश्यूज लंग्स इन द फॉर्म ऑफ, तो CO2 जो होती है वो एक गाड़ी में बैठ के, कार की, कार कार में बैठ के लंग्स में जाती है बाइकार्ब की फॉर्म में, बाइकार्ब की फॉर्म में CO2 जो होती है वो जाती है लंग्स में। अच्छा, एनीमिक हाइपोक्सिया जब भी होगा तो उसमें कोई ऑक्सीजन थेरेपी का रोल नहीं होगा, एनीमिक हाइपोक्सिया के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ सोडियम पोटाशियम एटीपेज एक्टिविटी की स्टिमुलेशन है वो किससे होती है, तो इंसुलिन जो होता है वो सोडियम पोटाशियम एटीपेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है जी। वागल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट क्या कॉज करेगी, पीआर इंटरवल को इंक्रीज करेगी, वागल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट क्या करेगी, पीआर इंटरवल को इंक्रीज करेगी सर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन ऑन हार्ट, एपिनेफ्रिन जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है ना वो इंक्रीज कर देता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिल का जो धड़कना है वो तेज हो जाता है, इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ हार्ट एपिनेफ्रिन। ओके जी, आपने बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस में क्या ड्रग देनी है, सेफ्ट्राइजोन देना है जी। जाइंट सेल्स वगैरह आ रहे हैं और एस्ट्रोसाइट्स आ रहे हैं तो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होगा हमेशा, ठीक है। अगर व्हाइट मेम्ब्रेन उसने दी हो इनसाइड दी मुंह तो वो कौन सी होगी, अगर वो स्क्रैप करने से ब्लीड करती है तो वो कॉर्नियो बैक्टेरियम होगी, अगर सिंपल व्हाइटिश मेम्ब्रेन है और उसने कोई नहीं बताया हुआ इनसाइड, और सूडो हाइफे दे दी है, सूडो कैनेडियंस आर व्हाइट, ये व्हाइट विजेनल डिस्चार्ज भी करते हैं, सूडो हाइफे भी होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हाइट व्हाइटिश मेम्ब्रेन इनसाइड ओसोफेगस वगैरह दिया होता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया स्वेलिंग इज ब्राइट आफ्टर 1 ईयर, व्हाट रिजॉल्व, व्हाट इज दिस, तो मैंने कहा था कि जो बहुत सारे अरसे बाद उसका ऑपरेशन हुआ और फिर 1 साल बाद उसकी स्वेलिंग ब्राइट आने लगी, तो उसमें हमेशा मेटाप्लेजिया उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कोरिस्पोंड्स टू ECG, ठीक है। तो ये RT इंटरवल के साथ जो है ना, सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी RT इंटरवल के साथ। उसके बाद आ गया ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी दैट रिमेन इन ट्रू पेल्विस, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो जो पेल्विस के अंदर रहती है सपोर्टेड बाय बोथ साइड्स, देखो इसने दोनों साइडों से सपोर्ट होना है, वो कौन सी है, मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी जो होती है वो इंटरनल आइलियक की ब्रांच है जो रिमेन इन द पेल्विस रहती है। ओके, हो गया जी। उसके बाद आ गया कि इंस्पायर द मीडियस ने मूव टू लेफ्ट ड्यूरिंग एक्सप्रेशन शिफ्ट टू लेफ्ट एनहांस, अच्छा जब भी मैंने कहा था कि ये जो शिफ्टिंग दी हो कि शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, फलाना टिमकाना, वो हमेशा टेंशन निमोथॉरिक्स होगा, टेंशन निमोथॉरिक्स होगा, और जिसमें वो पीप वाला दिया हो कि इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो वो यूजली इसमें आ रहा होता है स्पॉन्टेनियस में। अच्छा, प्रोरेटिक रैश है, रेज क्रिएटिनिन, बर्निंग फीट, हैंड, हैविंग यूरिन प्लाज्मा प्रोटीन, डायग्नोज क्या होगा, बेसिकली ना हेनॉन शोनिन परप्यूरा जो होता है ना वो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है स्मॉल ब्लड वेसल्स की ना, जब स्वोलन ब्लड वेसल्स होंगी तो वो स्किन में लीक करेंगी, उसकी वजह से स्किन वाले साइन देंगी, ज्वाइंट्स में लीक करेंगी, ज्वाइंट्स पेन करवाएंगी, और जो होता है इंटेस्टाइन और किडनी में भी वो लीक कर जाएंगी, ठीक है। नॉन शोनिन परप्यूरा जी इसका जवाब होगा। सिस्टोसोमा ये ब्लेडर कार्सिनोमा कॉज करता है, ट्यूमर ऑफ आई विद लीस्ट मेटास्टेसिस, ठीक है, मोस्ट वो जो कह लें कि आप बेजल सेल कार्सिनोमा लीस्ट मेटास्टेसिस भी होता है और लोकली मेलिग्नेंट भी होता है, लोकली मेलिग्नेंट सबसे ज्यादा बेजल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। अच्छा, उसके बाद उसने सिनेरियो पूरा दिया है, ज्वाइंट पेन, एंटी डीएस डीएनए पॉजिटिव, प्लूरल एंड एपिड्यूरल फ्यूजन, ठीक है,
तो पेरिकार्डियल हमने पता था ना, पेरिकार्डाइटिस जो है वो एसएलई की कॉम्प्लिकेशन होता है, पेरिकार्डाइटिस। तो ये इधर उसने एसएलई की कॉम्प्लिकेशन के साथ एसएलई का सिनेरियो दिया है, तो उसने कहा है मैकेनिज्म क्या होगा। तो इसमें बेसिकली ऑटो इम्यून होता है ना, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन जो होगा वो इसका मैकेनिज्म होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन एसएलई में, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन। अच्छा, उसके बाद आ गया व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। तो सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म रेनिन की वजह से होगा जी। क्रोन डिजीज में आप मेंटेनेंस के लिए क्या दोगे, एज़ाथियोप्रिन, जबकि एक्यूट सीवियर इन्फ्लेमेटरी में आप क्या दे रहे थे, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा जी, 2 डेज बिफोर ओवुलेशन एलएसएच इज एट, ठीक है, तो ल्यूट 12, ठीक है, 6 to 10 या 6 to 12 जो है ना वो हमने किया था, 6 to 12 या 6 to 10, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस 6 to 10, दिस 6 to 10 इज वेरी स्पेसिफिक एंड ये बहुत ज्यादा गाइनी के पेपर्स में आ जाता है, ठीक है। एलएसएच बेसिकली क्या होगी, ल्यूट 12 से मैंने याद करवाया, तो 6 से 10 के दरमियान 6 to 10 फोल्ड जो होगा ना, 6 to 10 फोल्ड, 6 to 10 फोल्ड, 6 से 10 फोल्ड, 6 से 10 फोल्ड, ठीक है, 6 to 10 फोल्ड, 6 to 10 फोल्ड, प्लीज 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 मेरे साथ से रिपीट किया करें। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स बेसिकली जब तब तक एक्टिव नहीं होंगी जब तक वो लिवर में नहीं एक्टिवेट होंगी, तब तक वो इनएक्टिव रहेंगी। नर्व टू लिगामेंटम टीरिस कैपिटस इज, ठीक है, लिगामेंटम टीरिस कैपिटस की नर्व कौन सी है, ऑब्टुरेटर। लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस जो होता है, लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस वो हम डाई के थ्रू देते हैं, और जो होता है वो कौन सा लिगामेंट है जो लीवर को डिवाइड कर रहा होता है एनाटॉमिकली, तो वो बेसिकली लिगामेंटम लिगामेंटम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो लिगामेंटम टीरीज है वो डाई में देते हैं और जो डिवाइड कर रहा है वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है एनाटॉमिकली। और स्ट्रक्चरली क्या चीज डिवाइड कर रही होती है, स्ट्रक्चरली क्या चीज डिवाइड कर रही होती है, यस सर्जिकली कह लो, ठीक है, तो वो मिडल हेपेटिक वेन है, मिडल हेपेटिक वेन। हाइपरकैल्सेमिया लीड्स टू व्हिच इफेक्ट ऑन हार्ट, तो हाइपरकैल्सेमिया जो होता है वो सिस्टोलिक अरेस्ट कराता है। एमेट्रोपिक पेशेंट विद प्रेस बायोपिया हैज व्हाट, ठीक है, तो जो इमेट्रोपिक पेशेंट है उसमें डिक्रीज नियर विजन होगी, कम विजन, डिक्रीज नियर विजन होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा जी, मोनोस्पॉट टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। क्रॉस ब्रिजेस स्केलेटल मसल फॉर्मड बाय मायोसिन, ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस जो होती है वो मायोसिन बनाता है। उसके बाद जो डेथ के बाद जो होता है वो फेलियर ऑफ सेपरेशन हो जाता है उनका, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ हिप इज लिमिटेड बाय मोस्ट मोस्ट जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी जो होता है वो इलियोफेमोरल होता है, तो इलियोफेमोरल जो होता है, ठीक है, वो एक्सटेंशन को रोकेगा, वो एक्सटेंशन को रोकेगा, ठीक है। और जो पीछे वाला अबडक्शन को कौन सा रोकता है, प्यूबोफेमोरल सर, प्यूबोफेमोरल, ठीक है। उसके बाद आ गया जी फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट विद नी फ्लेक्स इज लिमिटेड बाय एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, अगर नी फ्लेक्स है और फ्लेक्शन भी हिप की भी फ्लेक्स है, दोनों फ्लेक्शन को जो है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रोकेगा, और अगर सिर्फ हिप फ्लेक्शन है और नी की एक्सटेंशन है तो वो हैमस्ट्रिंग मसल से लिमिटेड होगी। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, आई विल क्रिएट लिमिटेशन इलियोफेमोरल, आई विल क्रिएट लिमिटेशन, बिल्कुल ठीक है, आई विल क्रिएट लिमिटेशन, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन इज इल, ठीक है, एक्सटेंशन इज लिमिटेड बाय इल, इल पर्सन, ठीक है, ओके जी। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इज सेक्रेटेड बाय व्हाट, ठीक है, तो वीआईपी, वीआईपी सलाइवा और मुंह लाल एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड 10, कौन से वाले का 10, माइनर सलाइवरी ग्लैंड की फेशियल नर्व होती है 104, 104 का, 104 का डिक्रीज नियर विजन है ना, डिक्रीज नियर विजन, एराटा में कुछ और है,